His mommy! Excuse me. You annoying me. Can you leave me alone? No. Please? No. Thank you very much. Good no. night. No. Good night, Yaman. No. Still drive me crazy. हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हाल चाल हैं आपकी? उम्मीद है कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे. अगर अच्छे नहीं है तो आज का व्लॉग देख के डेफिनेटली अच्छे होने वाले हैं. स्वागत है आपका मेरे चैनल पे. अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो आपको पता है क्या करना है. तो आपको पता नहीं है क्या करना है, मैं बताऊँगी क्या करना है. मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, कमेंट करना है कि आज आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, और I don't wanna let you down. It's the only thing I think about every morning. How's everything going, sweetie? Good job. But I promise if you stick around, it'll never get bored. So main karne wali hu edit aur Ahmed padhai kar raha hai wahan pe baith ke. So yes, we are doing this. You stay. Even when you wanna walk away, when times get bad, we can learn to love what we have. I don't wanna let you down. In my life without you would be boring, and we'll spend nights cheap red wine, look at flats even though we can't afford them. I don't wanna let you down. What are you guys doing? Daddy, main everyday vlog karna ve te hun toda real self vekh jana sabnu, because थोड़ी वीडियो मैंने बनानी ही पैनी है. मेरे को कोई ऑप्शन ही नहीं है, कोई मेरे को करैक्टर ही घट है मेरे फिल्म च. हेलो, अपनी कला का प्रदर्शन करो करो. तू बहुत बहुत ज़्यादा नकचड़े लगन दे, जवाब ही नहीं देन दे किसी गल का. Guys, ये सारा जाएगा व्लॉग. Mimi, you wanna add something? What? Mimi, तो इतना क्यूट क्यों है? Oh, that's why. Got it. Times get bad. We can learn to love what we have. I don't wanna let you down. सो मेरा चाय टाइम है, और सुबह से मैंने कुछ भी नहीं खाया, सिर्फ बनाना एंड एप्पल खाया. मैं एक टोस्ट खाने वाली हूँ ब्राउन, उसमें मैंने बटर लगाया. चाओ ना, क्योंकि मैं मील जब खाऊंगी फिर मैं ज़्यादा खा लेना, नहीं तो ये थोड़ा सा एपिटाइजर का काम करेगा. हिम्मत वॉचिंग टी वी, डैडी इज वॉचिंग मी. Is it a baby? नमस्कार, कैसे हैं आप? सो समय हो चुका है अराउंड 6 o'clock. हमेशा की तरह मैंने आज व्लॉग अभी शुरू किया है. थोड़ा एक्चुअली है इधर, मैंने क्लिप्स बना ली थी, फिर मैं एडिटिंग में बिजी हो जाती हूँ, क्योंकि रोज अपलोड कर रही हूँ तो रोज एडिटिंग होगी, और एडिटिंग करने के लिए 4-5 घंटे चलते हैं. तो या और हमने चाय पी ली है, जो आपने देख लिया होगा. अब पता नहीं कि हम डिनर में क्या खाएंगे. बहुत डिनर चाहिए खाना तो ही. Nothing? Okay. Dinner skip करना वे? Alright. सिर्फ पॉपकॉर्न खाए वे? Okay. So husband ने कहा कि वो आज dinner skip करेंगे. So कुछ बनाने की जरूरत नहीं है.
डिसाइड हो चुका है कि हम लोग पास्ता खाएंगे। पास्ते के लिए मैं यूज करने वाली हूँ ऑर्गेनिक पास्ता जिसकी शेप मैक्रोनी जैसी है। हम बनाएंगे चिकन पेपर मशरूम क्रीमी एंड रोजी पास्ता। तो सबसे पहले इसको बॉइल कर लेते हैं। वैसे मैं चाहती थी कि पति आज डिनर ही ना खाए, भूखे रहे। पति मानते ही नहीं, उनको कुछ ना कुछ तो खाना है वरना ना खाए। So, आज हम डिनर में पास्ता खाने वाले हैं। मेरे पति ने बहुत ज्यादा ऊंची टीवी ला लिया, पता नहीं क्यों। सो पता नहीं आप मुझे सुन पाएंगे या नहीं। और पास्ता जल्दी कुक हो जाएगा, पर आज मेरा प्लान है कि मैं मेरी किचन का काम जल्दी फिनिश कर लूँ, नहीं तो रोज मुझे 12 बज जाते हैं किचन को क्लीन करते करते। जब तक पास्ता बॉयल हो रहा है मैं मेरी किचन को क्लीन करने वाली हूँ। Guys, look at हमारे परिवार का नया मेंबर। ये है फिलाडेंड्रन। इसमें कितने सारे नए बच्चे आ रहे हैं और कितना प्यारा है। इसको एक्चुअली मैंने थोड़ी देर वहाँ पे रखा था धूप के लिए, पर वैसे ये वाइन्स हैं और ये खूब सारा लटक जाएगा। और इसको वैसे तो मैं हैंग करूँगी, पर फिलहाल के लिए मैंने इसको मेरे टीवी के पास रखा है। बहू मेरे को कितना सोना में कितना डब बन गया। एंड लुक एट दिस गाय, अगर आप मुझे पुराने समय से देख रहे हैं तो आपने इसका साइज़ देखा होगा, काफ़ी छोटा था, अब बड़ा हो रहा है। और इसके पत्तों का साइज़ बहुत अच्छा है। दैट मीन ये बहुत ज़्यादा खुश है जहाँ पे भी मैंने इसको रखा हुआ है। और इसके पत्ते बहुत बड़े हो रहे हैं और हैप्पी है। और कितने सारी बेबीज आ रहे हैं। इस प्लांट का नाम है पाइया। और यस, ये पानी पीने के लिए वहाँ पर गया था, थोड़ी देर मैंने उसको वहीं पर रखा, अब ये अपनी जगह पर वापस जा रहे हैं। यदि मेरा ध्यान भटक जाता है काम करने के लिए। This is a story about me and you. The beauty that we did pursue, and how you changed my life so beautifully, and how you showed me things I'd never seen. So yes, यहाँ पे मैंने साफ कर लिया है, मेरा पानी बॉयल हो चुका है। अब मैं उसमें पास्ता डाल के बॉयल कर लूंगी और फिर हम दोस्तों तो पास्ता बॉयल हो चुका है। इसका साइज काफी बड़ा हो चुका है बॉयल होने के बाद। देखिए ये कितना खूबसूरत लग रहा है। हस्बैंड एंड हिम्मत दे रहे हैं ग्रास को पानी फ्रंट यार्ड में, और मैं जब तक कुक कर लेती हूँ। वैसे तो इसकी रेसिपी बहुत ज्यादा आसान है, मैंने कई बार शेयर की है, आपको पता ही होगा। उसके बाद हमें नन्नी सी वॉक पे भी जाना है। सो मैं कुक करने वाली हूँ पास्ता, जिसको ज्यादा समय नहीं लगा। क्विक सी रेसिपी है, क्विक सी रेसिपी के साथ जल्दी से कुक करते हैं, डिनर करते हैं, और मैं आपके साथ शेयर करूंगी फिनिश प्रोडक्ट। यहाँ आप देखें कि मैं कैसे कुक कर रही हूँ। मैंने पैन रख दिया, इसमें मैं ऐड करूंगी ऑलिव ऑयल। नन्नो सा ऑलिव ऑयल ऐड करेंगे। ऑलराइट, सबसे पहले मैं इसमें गार्लिक ऐड कर लूंगी। गार्लिक एंड चिकन को हम सबसे पहले कुक करेंगे। सबसे पहले कुक किया जाएगा खूब सारा गार्लिक। देखिए गार्लिक, हम गार्लिक को ज्यादा कुक नहीं करेंगे क्योंकि इसमें गार्लिक का थोड़ा रॉ फ्लेवर अच्छा लगता है और गार्लिक बहुत जल्दी कुक हो जाता है। सो वंस दिस इज डन, लाइक लाइटली कुक्ड चिकन ऐड कर देंगे हम। और चिकन में हम ऐड करेंगे सॉल्ट एंड पेपर, और इसमें मैं इसके साथ ही ऐड कर दूंगी थोड़ी सी इटालियन हर्ब। थोड़ी सी इटालियन हर्ब्स भी मैं चिकन में ऐड कर दूंगी ताकि इसमें फ्लेवर आ जाए। और वैसे आप मेजर करके कर सकते हैं, पर मैं बस अपनी आई बॉल को ही यूज़ करती हूँ। तो चिकन को कुक होने देंगे थोड़ा। चिकन ब्रेस्ट यूज़ करती हूँ मैं पास्ते में। चिकन ब्रेस्ट बहुत ज़्यादा जल्दी कुक हो जाती है, चिकन ब्रेस्ट को थोड़ा टेंडर ही रहना चाहिए।
ये ऑलमोस्ट कुक हो चुकी है, अब मैं इसमें मशरूम ऐड कर दूंगी। अब हम मशरूम एंड चिकन को थोड़ा सा कुक करेंगे, उसके बाद मैं इसे ऐड करने वाली हूँ मैरिनेरा सॉस जो मैंने ली है कॉस्को से। उसका ब्रांड मुझे अच्छा लगता है, उसका नाम है विक्टोरिया मैरिनेरा सॉस, तो ये यूज़ करूँगी मैं इसमें। पर पहले मशरूम्स को थोड़ा कुक होने देते हैं। इसमें ऐड करूंगी ये मैरिनेरा सॉस नन्ही सी। अब इसको थोड़ा सा कुक होने देंगे, जब मुझे लगता है कि अच्छी तरह कुक हो गया इसमें मैं क्रीम ऐड कर दूंगी 35%। अब बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ी सी, अगर आप 10% या 18% डाल रहे हैं तो ज्यादा ऐड कर सकते हैं, पर इसमें मैं बहुत ज्यादा नहीं ऐड करूंगी क्योंकि ये बहुत ज्यादा थिक है। जब ये थोड़ा गर्म हो जाता है और बॉयल होना शुरू होता है तो मैं इसमें ये दो क्रीम चीज की क्यूब्स ऐड कर दूंगी क्योंकि हमें ये क्रीमी चाहिए थोड़ा। एक्चुअली मैं अल्फ्रेडो किस्म का नहीं बना रही हूँ, बट लिटिल उसके जैसा ही होगा, मैं थोड़ा रोजी क्रीमी होगा क्योंकि ये वाली जो सॉस है मेरे हिम्मत एंड हस्बैंड दोनों को बहुत अच्छी लगती है। इसको हम अराउंड 2-3 मिनट के लिए कुक करेंगे, उसके बाद हम इसमें पास्ता ऐड कर देंगे। वन पास्ता ऐड हो गया, हम मिक्स करेंगे तो थोड़ा सा पैरमेसन इस पर स्प्रिंकल कर देंगे। सो दैट्स इट, हमारा डिनर तैयार है। तो ये काफ़ी क्विक था, सब्जी रोटी बनाने से तो आसान है। और ये मेरे दिन का पहला मील होने वाला है, पहला मील है ये, मतलब नहीं है कि मैं बहुत सारा खाऊंगी, मैं पोर्शन कंट्रोल करके खाऊंगी, नन्ना सा पोर्शन ही खाऊंगी और मेरे पेट को थोड़ा सा खाली रखूंगी, लाइक फुल ऑन फुल भरने वाली नहीं हूँ मैं, थोड़ा सा खाली रखूंगी। अब ये बॉयल सा हो रहा है, इसमें पास्ता ऐड करने वाली हूँ। पास्ता वैसे मुझे ज़्यादा लग रहा है तो मैं पूरा ऐड नहीं करूँगी, कुछ हम कल भी कुक कर सकते हैं या सैलड भी बना सकते हैं इसका ठंडे वाला, मैं उतना ही ऐड करूँगी जितना मुझे लगता है कि इस सॉस में जाएगा। इसको मैं मिक्स करके थोड़ी सी इटालियन हर्ब्स को स्प्रिंकल कर देते हैं एक बार फिर से। थोड़ी सी सॉल्ट पेपर की ज़रूरत है, सो पैरमेसन चीज़ आप स्प्रिंकल कर दूँ। डन। और अब हमारे कस्टमर्स को बुलाएंगे और उनको कहेंगे कि टेस्ट करें और इसको करेंगे बंद, डिनर तैयार है। तो हमारा पहला कस्टमर होने वाला है भोलू राम हिम्मत, जिसको उसका पास्ता बहुत ही लाइट चाहिए। तो उसको मैं प्लेन पास्ते में से पास्ता निकाल के थोड़ी सी सॉस डालूंगी और चिकन डालूंगी, वो उसे ही खाएगा। उसका नाम है भोलू राम हिम्मत और उसमें मैं चिकन ढूंढ ढूंढ के उसके लिए सर्व कर दूंगी और वो हो जाएगा खुश। हिम्मत खुश, मम्मी खुश, पति खुश, पत्नी खुश, पत्नी की क्या बोलते हैं, कुक करना सफल हो जाता है अगर बंदे खुश हो जाएं, बंदे दुखी हो जाएं तो फिर पत्नी भी दुखी हो जाती है। या किसके लिए हम ये सारा काम करते हैं, बस दो स्माइली फेस के लिए, बस एक नन्ही सी मुस्कुराहट के लिए हम लोग काम करते हैं क्या? वो मुस्कुराहट देने में भी इन लोगों को प्रॉब्लम है? एनी हमारी सस्ती फीस है दोस्तों, सिर्फ एक मुस्कुराहट, इसे कहते हैं इमोशनल डायलॉग बाजी। ऐसे मैं इस पे सॉस स्प्रिंकल कर दूंगी, हिम्मत को कानो कान खबर नहीं होगी। ऐसे हिम्मत का सिंपल सादा सा पास्ता बन गया। सो ये क्यूट सा पास्ता है हिम्मत के लिए और वो जिब्बा चट चट के खा जाएगा और तैयार है। आई होप आपको रेसिपी समझ में आ गई होगी, वैसे मैंने कुछ भी मेजर करके नहीं डाल के बस डाल दे। सो मैं बच्चों को बुला के लाती हूँ, दोनों को, बच्चे ही हैं दोनों यार। दिस इज़ पोर्शन कंट्रोल, ये है बड़ी प्लेट, ये है छोटी प्लेट। सो मैं छोटी में खाऊंगी, यही मेरा डिनर होने वाला है, इसके बाद मैं और क्वांटिटी नहीं लेने वाली हूँ। ऑलराइट दोस्तों, सो आज का ब्लॉग एडिट कर दिया है मैंने, अब सुबह सेव हो रहा है। और यस, आज के दिन के लिए बस इतना ही। कितना समय हो चुका है, लम्बी चक बहुत टाइम कितना आया बहु, डैडी टाइम कितना आया बहुत, सच्ची सच्ची। ऑलराइट दोस्तों, तो समय हो चुका है 9:52 और आज का व्लॉग एडिट अब हुआ है फिनिश, क्योंकि बहुत सारे काम करने पड़ते हैं दोस्तों मुझे, तो काफ़ी समय लग गया।
और मैं बहुत ज़्यादा थकी हूँ बैठ बैठ के. व्लॉग सेव हो रहा है, उसके बाद अपलोड होगा. आई डोंट नो कब अपलोड होगा, शायद 12-1 बज जाएंगे. तब तक शायद मैं सोऊंगी नहीं, क्योंकि मैं देखती रहूँगी कि होया होया होया. और यस, आज के व्लॉग के लिए बस इतना ही. उम्मीद करती हूँ आपने पसंद किया होगा. पर एक्चुअली मुझे पास्ते का रिव्यू ले लेते हैं. एक ना टीवी रिवाइव बंद कर. गाइस, तो ये दस्या नहीं कि पास्ता डिनर किदा दा लगा तुहानू. मैं रेसिपी शेयर की थी वे एवरीबॉडी ना. गाइस वी लव इट. ऑलराइट दोस्तों, मेरे पास एक क्वेश्चन है. हिम्मत, यू लाइक मम्मी पास्ता? यस आई डू, इट्स सो गुड. आई जस्ट ईट इट एंड आई जस्ट नम 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 नम. ओके दोस्तों, तो हिम्मत को मेरा पास्ता बहुत अच्छा लगा है. और इसी बात पे आज के व्लॉग से हम डन करते हैं. आई होप आपने आज का व्लॉग पसंद किया होगा. ओके दोस्तों, सो आज के व्लॉग के लिए बस इतना ही. उम्मीद करती हूँ आपने पसंद किया होगा. अगर किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और मुझे मेरे सोशल मीडिया पे फॉलो करें. सोशल मीडिया पे फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. सारे सोशल मीडिया के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. प्लीज़ वहाँ पे जाएं और फॉलो कर लें, ताकि आप मेरी एवरी टाइम की स्टोरीज़ देख पाएँ. क्योंकि सोशल मीडिया पे मैं यूट्यूब से ज़्यादा एक्टिव रहती हूँ. सो यस, आई लव यू गाइस सो मच. डू नॉट फॉरगेट, यू आर ब्यूटिफुल द वे यू आर. स्टे हैप्पी, कॉन्फिडेंट एंड स्ट्रॉन्ग. वी गाइस कैन डू एनी फ्रिकिंग थिंग. ऑल यू हैव टू डू इज थिंक अबाउट इट एंड टेक एक्शन. ईजी पीजी लेमन स्क्वीजी. Bye, Lalu.